Here we are, we locked down in different cities. Hello guys, स्वागत है आप सबका कविता के किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं लेफ्ट ओवर राइस की रेसिपी। तो इधर मैं लेफ्ट ओवर राइस का चीला बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है, मेरे जो थोड़े से बचे हुए राइस थे वो मैंने ले लिया है। एक कप मेथी ले लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने राइस का फ्लावर लिया है यानी कि चावल का आटा। मैंने इधर 1 कप बेसन का आटा लिया है और ये जो वेजेस है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इधर मैंने एक ऑनियन, एक कैप्सिकम और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है। अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी राइस। सबसे पहले हमें राइस को ना मैश कर लेना है। उसके बाद हमें मेथी डाल देना है। उसके बाद जो हमने वेजिस काट लिया था वो डाल देना है। इसके बाद थोड़ा चावल का आटा डालेंगे हम और थोड़ा ये 1 कप मैं डालूंगी बेसन का आटा। बेसन का आटा ना बाइंडिंग का काम करता है। उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक। नमक से ना ये थोड़ा पानी रिलीज करेगा। हल्दी पाउडर, स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लो। नमक डालने के बाद इसमें से ना पानी रिलीज हो रहा है, वाटर। तो ये जो चावल हमने बचा था वो हम डाल देते हैं पूरा का पूरा और अच्छे से बाइंडिंग कर लो। और अभी हम इसका छोटा छोटा कटलेट बना लेंगे। अभी क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेना है और इसमें से छोटा छोटा हमें कटलेट बनाना है। इस तरह से, तो इसी तरह हम सभी के कटलेट छोटे छोटे बना लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह मैंने सभी लेफ्ट ओवर राइस के कटलेट बना लिए हैं। अभी हमें इसको शैलो फ्राई करना है। मैंने पैन में ऑयल डाला हुआ है, वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी बनाई हुई कटलेट। हमें कटलेट को दोनों बाजू पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए तब तक। कटलेट है ना, इसमें ना ब्राउन कलर आ गया है। अभी हम इसको धीरे धीरे करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरी कटलेट भी तल लेंगे। तो मेरी लेफ्ट ओवर राइट कटलेट तैयार है। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।